दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधा रानी रान्ना घर। फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी बैगन की भरता। मैंने बैगन की भरता बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है, मैंने यहाँ बैगन को ऐसे देखिए ऐसे पीस पीस करके लिए हैं बैगन, और लिया है मैंने मसाला में हल्दी, धनिया का पाउडर, और जो हम बंगाल में लैंग्वेज में बसला में बंगाली लैंग्वेज में बोलते हैं बड़ज या शाल धोने पत्ता, और लिया है मैंने धनिया का पाउडर लिया है, हरी मिर्ची, और लिया है नमक और काली जीरा, और लिया है ऑयल, एक वन लाल मिर्ची भी लिया है मैंने। मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, अब मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। फिर इसमें लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ। फिर इसमें हम काली जीरा डाल देते हैं। इसमें और काटी हुई थोड़ी सी हल्दी, हल्के आंच में थोड़ी सी फ्राई करेंगे। बैंगन की भरता बनाने के ये बहुत ही आसान तरीका है और जल्दी भी हो जाती है। नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। छह मिर्ची डाला है। मिर्ची आप अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 मिर्ची डाल दिया है। धनिया का पाउडर, मैंने धनिया का पाउडर 1 टीस्पून से डाला है। अब मैं थोड़ी सी पानी डाल दूंगी। पानी ऐसे डालना है जो ये बेशी ज्यादा ग्रेवी ना हो, सूखा भी ना हो। पानी डाल दें मैंने, अब इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गया है। बैगन का भरता जो है वो हो गया, और इसमें हम जो शाल धने पत्ता है वो डाल देंगे। आप नॉर्मल धने पत्ता भी डाल सकते हैं, अब तो सीजन नहीं है नॉर्मल धने पत्ता का, वो मैंने शाल धने पत्ता डाल दिया है। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी हो जाती है बैगन का भरता। सबको पसंद भी है, खाने में भी
बहुत ही अच्छा है, स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। फ्रेंड्स ये हो गए हैं बैगन के भरता। इस रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्ण, थैंक यू।